नमस्कार दोस्तों, श्री साई मूर्ति अचल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं पंडित जितेंद्र शर्मा। दोस्तों आज आपके लेके आए हूं 5 फीट में माँ बंसल जी की बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रतिमा। यह प्रतिमा कलकत्ता के लिए बनाई गई है और कलकत्ता के लिए प्रस्थान होने जा रही है। तो आप देख सकते हैं यह महानुभाव है जिन्होंने पेंटिंग की है माता रानी की। यदि आप भी पेंटिंग कराना चाहते हैं मंदिर वगैरह में या किसी भी अपने होम में डेकोरेट कराना है तो श्री साई मूर्ति का कस्टमर केयर पर आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको उसमें दे दिया जाएगा। दोस्तों आप इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि पेंटिंग की क्या रेट ये होम डिलीवरी करते हैं। तो पेंटर साहब आप बताइए कि होम डिलीवरी का क्या रेट लेते हैं? अपन इसका होम डिलीवरी के लिए कोई भी साइज में यदि घर में कोई कराना चाहता है, पेंटिंग कराना चाहता है, तो आप कितने रुपये फिट में काम करते हैं या फिर क्या हिसाब किताब है आपका? अगर अपन को 5 फीट तो उसका हज़ार रुपये फिट। यदि 1 फीट की मूर्ति है तो उसके लिए तो आप जाएंगे नहीं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? उसके लिए ऑप्शन ये होगा पानी को भाड़ा प्लस खाना, और उसके लिए कम से कम 5,000 रुपये। लेकिन पेंटिंग आप कैसी करेंगे? पेंटिंग जब पार्टी कराना चाहिए उसके अकॉर्डिंग पेंटिंग होगी। जिस तरह से आप करवाना चाहते हैं, फोटो के अकॉर्डिंग कराना चाहते हैं, किसी तरह से करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। और सभी साइजों का रेट आप बता दीजिए। 1 फीट, 9 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट, 3.5 फीट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, जो भी। मान लो जैसे पार्टी का बड़ा नग होता है, बड़ी मूर्ति होती है, उसके हिसाब से उसको ठेके में भी किया जा सकता है। और जैसे 10-15 मूर्तियाँ हों तो ठेके में भी किया जा सकता है। और छोटी मूर्तियाँ एक या दो मूर्तियाँ है उसका 2,000 रुपये फिट के हिसाब से भी होता है, 1,000 रुपये फिट के हिसाब से भी काम होता है। उसमें काम जैसा पार्टी मांगेगी उसी हिसाब से रेट होगा। लेकिन दोस्तों श्री साई मूर्ति घाट पर ये पहली बार आए हैं और मैं दर्शकों से ये विनती करता हूँ कि पेंटिंग जो ये करते हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग पेंटिंग करते हैं, एक बार इनको सेवा का मौका अवश्य दिया जाए। और यदि फिनिशिंग वगैरह भी कराना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है कस्टमर डायरेक्ट पेंटिंग कराता है, तो डायरेक्ट पेंटिंग ना करा करके आप फिनिशिंग भी करवाएं, तो फिनिशिंग करवाने के बाद में फिर आप पेंटिंग कराएं तो एक नया ही लुक आता है। जैसे कि अपन ने अभी अभी मूर्ति परचेज की है और अभी अभी प्रतिष्ठा करवाई है, तो उससे ये बड़ा फ़ायदा है। तो आगे वीडियो इसी तरह मैं बनाता रहूँगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर।